सचिन पायलट जनता के बीच गरज रहे थे, सच के मार्ग पर अडिग होने का दम भर रहे थे। तो इधर जयपुर में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा विधायकों मंत्रियों से फीडबैक ले रहे थे, लेकिन रंधावा के सामने ही नेता आपस में लड़ पड़े। बताया जा रहा है कि फीडबैक वाले रूम में जब एमएलए राजेंद्र पारी और हरीश मीना की एंट्री हुई तो डोटासरा जी ने बाकी विधायकों से उनका ये कहकर तारुफ कराया कि इनसे मिलिए, ये मानेसर वाले विधायक हैं। डोटासरा का इतना कहना भर था कि हरीश मीना बिफर पड़े, बोल पड़े कि विधायक कहिए ऐसा ही रवैया रहा तो सरकार चली जाएगी। मामला गर्म हुआ तो रंधावा जी ने आगे बढ़कर पानी डाला। नेताओं से फॉर्म भरवाए जा रहे थे कि आप आगे क्या करेंगे जिससे सरकार फिर से रिपीट हो जाए। फीडबैक तो कहने को था, लग तो ये रहा था कोई परीक्षा चल रही है, क्योंकि कुल 13 सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब देने के लिए नंबर भी निर्धारित किए गए थे। बगावत और अदावत का दौर चलता आ रहा है 2020 से। आज सूत्रों के अनुसार गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ जख्मों को फिर से हरा कर दिया। जी हाँ, जैसे ही हरीश मीना और साथ में राजेंद्र पारीक जैसे ही मीटिंग के अंदर पहुंचे, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये मानेसर वाले विधायक हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मानेसर वाले विधायक। इसके बाद तुरंत हरीश मीना ने उनको टोका कि आप ये मानेसर करना छोड़िए, हम विधायक हैं, सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। जी हाँ, ये जो था रसाकसी सिचुएशन थी। फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इशारा करके जो है दोनों को समझाया। फिर हरीश मीना ने कहा कि देखिए एससी एसटी परंपरागत वोट बैंक है कांग्रेस का, वो छिटकता हुआ नजर आ रहा है, आप इस वोट बैंक को छिटकने से बचा लीजिए। लगातार जो आक्रोश है दलित वर्ग के अंदर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब दिव्या मदेरना मिली उन्होंने भी कहा कि बद्रीराम जाखड़, बिना नाम लिए कहा कि कुछ विधायक ऐसे हैं, कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो अपने ही पार्टी को जो है वो डैमेज करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल के इंचार्ज की मौजूदगी के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रेजेंस में कोई मानेसर वाला कह दे और कोई ये कह दे कि बयानबाजी, ये जो बयानवीर है कांग्रेस के, उससे पार्टी को डैमेज पहुंच रहा है। दिव्या मदेरना ने भी अपनी शिकायत करी, फटकार डेगाना विधायक को भी लगाई गई, इशारे इशारों में कहा कि अगर कोई गड़बड़ है तो उसे आप ठीक कर लीजिए। तो ये वो बातें हैं जो साफ साफ झलकाती है कि कांग्रेस में अभी भी ऑल इज नॉट वेल। फिर बारी आई मंत्री रामलाल जाट की। रामलाल ने भी कह दिया कि कुछ लोग पार्टी की छवि खराब करने में जुटे हैं, हमें उनका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान तय है। कुछ लोगों में पार्टी के अंदर ऐसे आ जाते हैं जिससे पार्टी बदनाम हो जाती है। बाकी कांग्रेस की नीतियां भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही रही, आज भी है, पहले भी थी। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, कोई भी आदमी छोटे से पद पर रह के ही बच नहीं पाता। काजल की काली कोठरी में रह कर काला दाग नहीं लगे, ऐसा कभी होता? अशोक गहलोत जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे जिन जिन पदों पर हैं अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ। कुछ जगह हमारे पार्टी में लगे हैं तो उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन भी लिया, चाहे जेल भेजा, तो पार्टी के नेताओं को भी जेल भेजने में कांग्रेस पार्टी नहीं चुकी। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा है कि हम भ्रष्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन ये सर्टिफिकेट जनता दे। डेगाना विधायक विजय पाल मिर्धा ने भी कहा कि आपके ड्राइवर वाला मामला क्या है, इसे सुलझाया जाए। तो वहीं ओसिया विधायक दिव्या मदेरना ने भी खुद पर हमला किए जाने वाले आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग रख दी। यानी बात करने आए थे कि सरकार कैसे रिपीट हो सकती है, लेकिन घूम फिर कर गहलोत गुट और पायलट खेमे के नेता वहीं पर लौट आए जहां से चले थे। सब अपनी अपनी कहने लगे, दूसरों की बात काटने लगे, एक दूसरे पर कमेंट करने लगे। इशारों इशारों में कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दों को हमें उठाना चाहिए, सिर्फ एक नेता के भरोसे बैठकर हम भ्रष्टाचार की बातचीत नहीं कर सकते हैं। मैं भी विधायक था, मैं भी सांसद था, और तब भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया गया, और ये वो गंभीर मुद्दा है जिसकी पर कांग्रेस सरकार को सख्त होना चाहिए। वो बात अलग है, सचिन पायलट ने आज अपने दौरे में एक कह दिया कि अब तक जो है, जो मैंने अनशन करा, जो धरना करा, मैंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी, उसके विरुद्ध अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
सुखजिंदर सिंह रंधावा सूत्रों के मुताबिक खुद शांत और ठंडे नजर आए, क्योंकि उनका जो प्रभाव होना चाहिए वो मीटिंग में नहीं था। उनको सफाई देनी पड़ी कि राजस्थान का मसला जो है मैं सुलझाऊंगा। उन्होंने कह दिया कि कमलनाथ का इस मामले से क्या लेना देना, और वो भी बेबस नजर आए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने और पूछा कि आखिर कोई तरीका है क्या, कोई रास्ता निकल सकता है क्या। बड़ा सवाल ये कि जब कांग्रेस हाईकमान कोई रास्ता नहीं निकाल पाया, चाहे सचिन पायलट का खेमा हो, अशोक गहलोत का खेमा हो, दोनों ही फिलहाल जो है तंजवीर बने हुए, दोनों का ही खेमा। अब आप ही बताइए ऐसे में क्या फीडबैक और कहां की एकता। सब कुछ मानो दिखावा सा लग रहा था, क्योंकि आला कमान का निर्देश है, रंधावा जी कोशिश में लगे हैं कि कम से कम बाहर से पिक्चर का पोस्टर तो ठीक दिखे, लेकिन जब अंदर की फिल्म ही खराब चल रही हो तो पोस्टर दिखाकर कितनी भीड़ जुटाई जा सकती है। कभी ना कभी सच तो सामने आना ही था, तो फीडबैक वाले एपिसोड की फिल्म ही फ्लॉप रही। अभी कुछ दिन और रंधावा जी यूं ही कोशिश करते रहेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि रंधावा जी को जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा कर सके, लेकिन जब अपने लोग ही फजीहत करवाने पर उतर चुके हों तो फिर क्या अनुशासन और क्या आलाकमान, क्या फर्क पड़ता है। चलता रहेगा ऐसे ही जैसे अब तक चलता आया है। राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों से फीडबैक लेने के लिए 1-to-1 संवाद में 13 सवालों का एक फॉर्म बांटा, जिसमें पहला प्रश्न ही क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक समीकरण से जुड़ा था। कांग्रेस के इस फीडबैक पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए एक तंज भी कस दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा कि क्या चुनावी प्रदेश में राहुल गांधी की पार्टी मोहब्बत की दुकान अब धर्म और जाति देखकर खोलेगी। खैर, राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। कहने को तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही पार्टी को मजबूत करने निकल पड़े हैं, लेकिन गहलोत गुट हो या पायलट खेमा, दिलों की दरारें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि आलाकमान का मरहम इस घाव को भरने के लिए कम पड़ रहा है। सोमवार को सचिन पायलट ने शाहपुरा में संतों के कार्यक्रम से अपने चुनावी सफर का आगाज किया, तो मंच से गहलोत को गीता का ज्ञान दे डाला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। ये हम सब लोगों के लिए संदेश भी है कि हमें हर चुनौती का सामना करना है, साथ मिलकर आगे बढ़ना है, और समूचे समाज को, 36 कौम के लोगों को, सब नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सब लोगों को मिलकर आगे एकजुटता से काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत हम लोगों की हमारी एकता है, हमारा आपसी भाईचारा और प्रेम है। इसको हमेशा परमपिता परमेश्वर बरकरार रखें। आप सब लोगों के ऊपर ईश्वर की, भगवान की असीम कृपा रहे। आपके आने वाला समय मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। आपके बच्चे पोतों को भगवान खूब आशीर्वाद दे, आपकी झोलियों में भगवान खूब खुशियां भरे, और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। और तो और, दोपहर होते होते पायलट झुंझुनू पहुंच गए, जहां पुलवामा के शहीद शिवराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पायलट जब बोले तो करप्शन पर किसी को भी नहीं बख्शा। अपने अनशन पर पायलट अडिग दिखे, कहने लगे ना कभी गलत बर्दाश्त किया है और ना ही करूंगा। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने शालीनता से, विनम्रता से सिर्फ इस बात को मांगा था और आज भी मांग रहा हूं। अभी हफ्ता हो गया है, कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार, करप्शन, आर्थिक अपराध करने वाले लोग जिन्होंने गलतियां की थी, और बार बार कहा जाता है हर गलती सजा मांगती है, जांच होनी चाहिए, सबूत मिले तो कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान को एक ईमानदार और स्वच्छ राजनीति देने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, और इस मुद्दे को लेकर मैंने बड़े खुले मैदान में इस बात को कहा कि करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, पर देश के नौजवान के भविष्य को हम अंधकार में डालना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ये संघर्ष, ये संकल्प कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, और कल भी मजबूत रहेगा।
चुनावी साल है, मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी से होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस में ही गहलोत गुट और पायलट खेमा एक दूसरे पर हमलावर हो रहा है और इसी तरह से चलता रहा तो अंदाजा लगा लीजिए कि दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी और कितना मजबूत होकर सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।